नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सर कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके साथ साथ कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकली चार्टर्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है कि ये कंपनी के ऊपर जो मैं रेंज आपके साथ शेयर किया था, कि मैंने आपको बार बार बोला कि जब भी इस लेवल को, यहाँ पे एक स्ट्रांगली जो लेवल था 342 रुपीज के आसपास, इस लेवल को जब भी ब्रेकडाउन किया उसके बाद रिवर्सल किया, रिवर्क करने के बाद अगर इस कैंडल के मतलब इस रेंज के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता तो रिवर्स करने का चांसेस देखने को मिल जाते, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे टॉप लेवल से देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया, मतलब यहाँ से एक प्रेशराइज कैंडल बना जो करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और रिवर्सल करने के बाद फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी ऊपर जाने की कोशिश किया नीचे है, मतलब यहाँ पे जो हाई बन रहा है वो आप देखेंगे तो एक लोअर हाई बन रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेड कर किए चले जा रहे हैं, मतलब कंपनी इस हायर लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। तो मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से बात करूं तो कंपनीज के ऊपर एक बिग फॉल और भी देखना बाकी है, और वो फॉल मुझे लग रहा है कि 240 रुपीज ये जो रेंज है इस रेंज तक आने का कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ उस तरीके से करेक्शन होकर इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे, तो एक अच्छा खासा फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली अभी भी मेरा होल्डिंग है और एज ए स्विंग बेसिस में, और मैं उसको कंटिन्यू भी करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी के रिजल्ट में जो खराबी पहले दिखा था, मतलब पिछले साल में जो रिजल्ट कम हो गया था वो फिर से इस बार रिकवरी किया, तो अच्छा खासा रिजल्ट को रिकवरी किया और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। अभी देखिए लास्ट टू क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिले, मतलब मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन अभी भी बनना बाकी है। जब सिचुएशन चेंज होगा तब फिर से रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, कंपनी में इतना खराब सिचुएशन के बाद भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा म्यूचुअल फंड देखिए लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं, और एफएस के पास पहले इतना होल्डिंग था, छोटा मोटा स्टेक को बेचा, मतलब 17.6% होल्डिंग था, अभी 15.7% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास स्टेक बेचा, बाकी होल्डिंग कंटिन्यू किया जा रहा है। तो प्रोमोटर के पास भी 54% होल्डिंग पहले भी था आज भी है। तो हर डेटा के हिसाब से बात करूं तो राजेश एक्सपोर्ट कोई बेकार कंपनी है, इस गोल्ड माइनिंग सेक्टर में कंपनी एक लीडर कंपनी है, 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला इसके पास है, और वो भी ग्लोबल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। तो कितना बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी के, वो सोचिए। हाँ, आज इकोनॉमिकली क्राइसिस और बहुत सारे रीजन के वजह से राजेश एक्सपोर्ट गिरते चले जा रहे, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका नीचे जो सपोर्ट रेंज है इस लेवल के नीचे गिरने का चांसेस रहेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वो फिर से वापस जा सकते हैं। तो यही नेचर होते हैं शेयर का, कभी कभी इस तरीके से करेक्शन होता है उसके बाद फिर से रिवर्सल करके ऊपर चले जाते हैं। तो अभी मैं कोई ट्रेड लेने के लिए मैं इंतजार सॉरी मतलब कोई नया ट्रेड मैं नहीं लूंगा जब तक कोई फ्रेश मुझे एंटी ना दिखे, और जब एंटी दिखेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आप सभी जानते हैं इंडिया के एक देखा जाए तो लार्ज कैप टाइप बैंक है, और इस बैंक के जो ओनरशिप मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट है, क्योंकि LIC और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों के पास ही कुल मिलाकर 94% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला है, और बाकी कंपनी के पी रिशियो और कंपनी का ROCE बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ भी हो रहा है अच्छा खासा, इनकम में तो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, कितने इनकम हुआ आप देख सकते हैं, कंपनी के सेल्स में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा, 4500 से 4600 करोड़, 5200 करोड़ और 5600 करोड़ के आसपास। तो
रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला, और उसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो 400 करोड़ से 600 करोड़, उसके बाद 950 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के सिचुएशन वाइज, कंपनी के पॉजिटिविटी के वाइज कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथबुल नेट प्रॉफिट देखने को मिले है। तो जब कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट में या फिर देखेंगे तो रिजर्व लास्ट फ्यू ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले, और बोरिंग्स भी अच्छा खासा एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि 3,35,000 करोड़ के आसपास चला गया था बोरिंग्स, उसको घटाकर लेके आए थे करीबन 2,62,000 करोड़ के आसपास। तो थोड़ा सा कम तो हुआ, फिर से धीरे धीरे करके वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। और इस सारे पॉइंट्स के कारण मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो बाई वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रोमोटर माल नहीं बेचा, क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 94% होल्डिंग्स है। तो प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक बाकी लोग कहाँ से खरीदारी करेंगे। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो जब होल्डिंग्स को बेचा जाएगा तब एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड ने बाई किया था, अभी देखिए एफएस ने लगातार बाई करते चले जा रहे हैं। तो इस सारे पॉइंट्स मैंने आपको आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेल लिया और वो किस तरीके से ऊपर गया आप देख सकते हैं, शानदार तरीके से ऊपर गया है, कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल बटन्स बना और फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद टारगेट के नजदीक गया। तो देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया, तब मैंने एग्जिट भी ऑब्वियसली कर चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कभी कभी होता क्या है टारगेट के नजदीक से ही रीबैक करता है। इसका मतलब है नहीं कि वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर से वो ऊपर जाएगा मगर टाइम ज्यादा लगाएगा। टाइम ज्यादा लगने से होगा क्या, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मतलब जो एवरेज रिटर्न जो आ रहा है उसका टाइम पीरियड अगर ज्यादा लग जाए तो एवरेज रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि अगर टारगेट नजदीक है और उसी लेवल से अगर रीबैक कर रहा है तो वहां से आपको एग्जिट हो जाना है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, सारे चीज आपको सिखाने के लिए है, सारे डेटा आपको सिखाने के लिए है। तो प्लीज कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके रिसर्च के हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जो उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, देखिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर दो ट्रेड मिला, पहले ट्रेड मुझे टारगेट अचीव कर चुके हैं मतलब टारगेट अचीव हो चुके हैं, सेकंड ट्रेड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो किस लेवल में एंट्री बना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक पैटर्न बना वो कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे क्या बना एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और उसके बाद शोल्डर बना, इसको कहा जाता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको कहा जाता है। तो फाइनली जब भी इसके ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया तो रिटेस्ट लेवल में मेरा एंट्री है, उसके बाद देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। और मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे आकर रुक चुका है, क्यों, क्योंकि ए कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक लेवल था, इसी लेवल के रिटेस्ट करके ऊपर गया था, मतलब एक कंपनी के लिए एक सपोर्ट था, तो वही सपोर्ट अभी कंपनी के लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है, इस रेजिस्टेंस लेवल को जब भी ब्रेकआउट करेगा तब धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं पीएनबी के ऊपर इसीलिए टेर लिया क्योंकि कंपनी के मुझे दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात कंपनी के इस बार हाइस्ट सेल्स देखने को मिला, उसके साथ साथ मतलब रेवेन्यू हाइस्ट देखने को मिला, उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हाइस्ट देखने को मिला, आज तक की हाइस्ट प्रॉफिट है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे निवेश अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स भी देखने को मिला। और मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा जिसके कारण मैंने टेल लिया वो है कंपनी का बोरिंग्स, कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ते चले गए और उस कर्जा बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। तो यही सब कारण की वजह से मैंने टेल लिया। तो प्लीज सारे चीजों को एक बार वेरीफाई करके, आपको किसी भी कंपनी को टेल लेना है तो एक बार वेरीफाई करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करेगा। अगर इसी तरीके से सारे चीजों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी टिप्स नहीं है,
अगर सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।